ऑल राइट जी, सो हर्बर्ट ई हॉक्स इज, हर्बर्ट ई हॉक्स का कहना ये है कि एक डीन के यहाँ जो किसी कॉलेज का सरबराह है, ही नीड्स टू हैव द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी एज दैट ऑफ अ फिजिशियन। उसके यहाँ वही तशखीसी सलाहियत होनी चाहिए जैसा कि किसी तबीब के यहाँ मौजूद हुआ करती। ही इज हेल्पिंग, ही इज असिस्टिंग द यंग मैन अंडर हिम टू सी लाइफ स्टेडिली कंसिस्टेंटली एंड सी इट होल। वो अपने जेरे निगरानी नौजवानों को जिंदगी को मजमूई तौर पर और तसलसल के साथ देखने में मदद कर रहा होता है। इफ ही कैन सेव बॉयज फ्रॉम फेल्योर थ्रू फुलिशनेस, फुलिशनेस स्टूपिडिटी STUPIDITY, सिकनेस एलमेंट, सिकनेस का सिनोनिम कर सकते हैं ALMENT, एंड सिन एंड क्राइम, ही इज डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब। अगर वो तोलोबा को हमाकत, बीमारी या गुनाह या जुर्म के बाइस होने वाली नाकामी से बचा पाए तो वो अपने हिस्से का काम कर रहा है। सो फॉर दैट मैटर, द जॉब ऑफ अ टीचर, द जॉब ऑफ अ प्रिंसिपल और अ रेक्टर इज जस्ट नॉट टू टीच द स्टूडेंट्स। वो सिर्फ स्टूडेंट्स को टीच करना ही नहीं है, ही शुड कीप एन आई अपॉन देम, उसे उन पर निगाह रखनी चाहिए। इट इज हिज जॉब टू सेव देम फ्रॉम द फेलियर फॉर डिफरेंट रीजंस, और ये उसकी जॉब है, ये उसका काम है कि वो उन्हें मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होने वाली नाकामियों से बचाए। That is our lesson. ये हमारा लेसन नंबर 3 था, और लेट्स लुक इन टू इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स नाउ। इसके अब सवाल और जवाब जरा देख लेते हैं। शान, क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्लाइड शेयर कर दो। ऑल राइट जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस नाउ। द क्वेश्चन नंबर 1 इज, अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, हु आर दे, कैन वी हेल्प देम? Now we read about them in our very first paragraph. हमने बिल्कुल पहले पैराग्राफ में इन्हीं के बारे में पढ़ा था। So, सवाल क्या है? कुछ ऐसे लड़के हैं जो इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो कोशिश नहीं करते। वो कौन है? सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, हु आर दे? एक्चुअली द स्टूडेंट्स हु डू नॉट ट्राई आर दोज who are suffering from different kind of nervous habits. वो students जो मुख्तलिफ अकसाम की आसाबी मसाइल का शिकार होते हैं, वो कोशिश नहीं कर पाते। They are the students suffering from different kinds of nervous habits. And due to those nervous habits, they cannot focus on their study. उन nervous habits की वजह से वो अपनी study पर focus नहीं कर सकते। The next part of the conference can help them. We can help them only to the extent that we can point, we can indicate what is the problem. Otherwise, they will have to reform themselves. हम उनकी सिर्फ इतनी मदद कर सकते हैं कि point out कर दें, indicate कर दें कि मसला क्या है। बाकी उन्हें अपने आप को खुद reform करना है, अपनी इसलाह उन्होंने खुद करनी है। Nobody else can do it for them. और कोई ऐसा उनके लिए नहीं कर सकता। सेकेंड क्वेश्चन है जी, हाउ डज मिस्टेक एन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज? जो मिस्टेक एन एम्बिशन है, गलत नस्बुलैन का चुनाव है लड़कों और उनके वालदेन की जानिब से, वो स्टूडेंट्स की, लड़कों की नाकामी का बाइस किस तरह से बना करता है? सो बेटा, द आंसर इज एब्सोल्युटली सिंपल। आंसर सिंपल है, दैट द स्टूडेंट्स आर फोर्स टू स्टडी दो सब्जेक्ट्स फॉर विच दे हैव नो टेस्ट। स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट्स पढ़ने पर मजबूर किया जाता है जिसके लिए उनके यहाँ कोई टेस्ट नहीं होता, जिसका वो जौक नहीं रखते। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हुआ करते, दिलचस्पी नहीं लेते। अल्टीमेटली दे कैन नॉट फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट एज दे शुड। होता क्या है फिर कि वो उस सब्जेक्ट पर उस तरह से फोकस नहीं कर पाते जैसा कि उन्हें करना चाहिए। सो मिस्टेकन एम्बिशन ऑन पार्ट ऑफ द बॉयज एंड देयर पेरेंट्स
इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर फेल्योर, नाकामी की एक अहम वजह है, बिकॉज द स्टूडेंट कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू स्टडी द सब्जेक्ट फॉर विच ही हैज नो टेस्ट, क्योंकि ऐसी सूरत में जो तालिब इल्म है वो अपने आप से उस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करा पाता जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं होती, एंड हेंस ही फेल्स, और इस तरह से वो नाकाम हो जाता. There are some boys who have done well at school, but failed to make their mark at college. Who are they? Do you have such boys in college in your country? अब ये कौन से लड़के हैं जो कॉलेज स्कूल में तो बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं लेकिन कॉलेज में आकर अच्छा काम करने से अच्छा काम नहीं कर पाते, कॉलेज में आकर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाते, ये कौन है? और क्या आपके मुल्क में जो कॉलेजेस हैं वहां पर ऐसे स्टूडेंट्स पाए जाते हैं? तो द आंसर वुड बी दैट द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम ओवर कॉन्फिडेंस कैन नॉट परफॉर्म, कैन नॉट मेक देयर मार्क एट द कॉलेज, बिकॉज दे बिलीव दैट दे वुड बी एबल टू फ्लोट थ्रू द कॉलेज एज इजीली एज दे डिड थ्रू द स्कूल. उन्हें लग रहा होता है कि वो उतनी ही आसानी से कॉलेज से पास होकर गुजर जाएंगे जितनी आसानी से वो स्कूल से कामयाब होकर आए थे. सो दे डू नॉट अप्लाई देमसेल्व्स टू देयर वर्क, वो अपने काम पर तवज्जो नहीं करते, एंड अनफॉर्चुनेटली दे हैपन टू बी द मोस्ट पिटिएबल पीपल अमंग ऑल द फेलिंग स्टूडेंट्स. तमाम फेल होने वाले स्टूडेंट्स में ये सबसे ज्यादा काबिले तर्स हुआ करते हैं, काबिले रहम हुआ करते हैं, बिकॉज दे फेल ड्यू टू देयर ओवर कॉन्फिडेंस, not due to the lack of capacity, क्योंकि ये capacity, ability की कमी की वजह से fail नहीं होते, ये fail होते हैं over confidence की वजह से. They have got the ability to the maximum, बहुत ज्यादा ability इनके यहां हुआ करती है, but they fail just because they do not make an effort, वो सिर्फ इसलिए fail होते हैं क्योंकि वो effort नहीं किया करते. And such students are found in all the colleges of all the countries. इस तरह के college students जो हैं वो हर जगह, हर मुल्क के हर कॉलेज में पाए जाते हैं. तो हम कह सकते हैं दैट सच स्टूडेंट्स आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो दुनिया भर में हर जगह मिलते हैं. इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द लेसन, डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री? फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो किस तरह से तलबा की नाकामी का बाइस बना करता है, जिसके बारे में सबक में भी बात की गई. So, a student, those students who actually have to work in order to earn something, cannot really pay any heed to their studies. A lot of their time is wasted in doing petty jobs. Unka bada waqt jo hai, wo choti choti si naukriyan karte hue guzar jata hai. And ultimately, they do not find enough time to work. Iski wajah se phir unhein अपने काम पर फोकस करने के लिए काफी टाइम नहीं मिलता. सो नॉट ओनली दे मेक अ माइटी पुअर लिविंग बट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड देयर. इस तरह से ना सिर्फ उनकी रोजी नाकिस होती है बल्कि उनकी जो तालीम का मेयार है वो भी अफेक्ट होता है, एंड दैट इज वन सीरियस रीजन ऑफ फेल्योर. ये नाकामी की एक गंभीर वजह है, एंड सच स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन एवरी कंट्री. इस तरह के स्टूडेंट्स भी जो है वो हर तरह की हर मुल्क में दुनिया के पाए जाते हैं. जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए. टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू फेलियर एट कॉलेज? हाउ फार कैन द कॉलेज अथॉरिटीज विद देयर मेडिकल ऑफिसर हेल्प स्टूडेंट्स इन सच केसेस? द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ फेलियर. सेहत का मसला जो है वो नाकामी की एक अहम वजह हुआ करती है. इट इज सेड दैट अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड. कहा जाता है कि एक सेहतमंद जहन जो है वो एक सेहतमंद जिस्म में ही हुआ करता है. इफ अ बॉय इज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ अ डिजीज, अगर लड़का किसी बीमारी में मुब्तला है, ही वुड नेचुरली नॉट बी एबल टू पे एनी हीड टू हिज एजुकेशन, तो वो फितरी तौर पर अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं कर पाएगा. So,
अ साउंड हेल्थ इज क्वाइट इम्पोर्टेंट एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न. जहां तक एजुकेशन की बात आती है तो उसके लिए साउंड हेल्थ, अच्छी सेहत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड द कॉलेज शुड मेक श्योर, कॉलेजेस को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए दैट दे मस्ट आस्क द स्टूडेंट्स टू अंडर गो अ फिजिकल एग्जामिनेशन. दोज हु आर नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म अप टू देयर पोटेंशियल. वो स्टूडेंट्स जो अपने पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उन्हें कॉलेजेस को कहना चाहिए कि वो जाकर अपना एक फिजिकल एग्जामिनेशन कराए. इन दिस वे बिग नंबर ऑफ फेलियर्स कैन बी अवॉइडेड. इस तरह से नाकामियों की एक बड़ी तादाद से बचा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है आपका वो है, व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू सपोर्ट्स मैन इन कॉलेज. सपोर्ट्स एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ. गेम्स और कॉलेज की जो दूसरी हम निसाबी सरगर्मियां हैं, ये कॉलेज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है. दे कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द कॉलेज लाइफ. इन्हें कॉलेज की जिंदगी से अलग नहीं किया जा सकता. बट such students must clearly understand what the college is for. इस तरह के students को बड़ा clearly पता होना चाहिए कि college का बुनियादी मकसद क्या है. They must not let the games or any other activity spoil their education. उन्हें games को या किसी और activity को अपनी education को spoil करने की, खराब करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए. And if a student is too much interested in games, अगर कोई खेलों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता हो, then he should go on to take it up as a profession. फिर उसे आगे चलकर उसे एक पेशे के तौर पर इख्तियार कर लेना चाहिए. Your final, I guess, seventh question number seven is, there are some students who join college for the fun of it. Should they be allowed to stay? And the answer is a big no. No lazy bluffer should be allowed to stay in the college because one black sheep can contaminate others. किसी भी lazy bluffer को college में रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए. As I said, one black sheep can contaminate others. एक काली भेड़ दूसरों को मुतासिर कर सकती है. College is meant for education. College is meant for study. College is not a place to make fun. So such students must not be allowed to stay in the college and they should be expelled out to the cold world so that they may be able to know what's their true worth. Is tarah ke students ko college mein rehne ki ijazat nahi deni milni chahiye. Duniya ke hawale kar dena chahiye is tarah ke students ko taaki wo samajh saken ki unki asal qadr o qeemat kya hai, so that they may be able to learn their lesson and come back to do their रियल वर्क, ताकि वो अपना लेसन सीखें, अपना सबक हासिल करें और उसके बाद अपना काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए कॉलेज में वापस आएं.